व्यास जी, बड़ा ही उम्दा प्रयास है ये नई उड़ान। जितने ऊंचे आपके सुर हैं, उतनी ही ऊंची आपकी सोच है। आपकी आवाज में रूहानियत कैसे आई? मुझे लगता है भगवान का आशीर्वाद है और उसके बाद कड़ी मेहनत और आप लोगों के प्यार और आप लोगों की जो प्रेम से देखने की दृष्टि है, तो ये सारे जादू होना इस दुनिया में तय है। इस बार कुदरतन बात है, वैसे तो हमारे जब से नई उड़ान प्रारंभ हुआ था, एक से एक हीरे हमको मिलते गए, लेकिन इस बार पूरे देश विदेश से कुछ नायाब रत्न आए हैं नई उड़ान में, और यही हमारी अचीवमेंट भी बोल सकता हूँ या खुशी भी बोल सकता हूँ। और नई उड़ान की एक तरह से जो बोलते हैं ना, जो संकल्प होता है, उद्देश्य होता है, वो इस बार का और भी गजब बना है। तो चलिए फिर देर किस बात की, हम सबसे पहले स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ की स्वाति तिवारी का। एक अलग ही सुकून है इनकी आवाज में, मानो स्वयं सरस्वती विराजमान हो इनके कंठ में। सोनू निगम और आशा जी से काफी प्रभावित है ये, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और भजन गाना पसंद करती हैं, और स्वर्ण मयूर सम्मान, कृष्ण प्रिया कथक केंद्र, राज बनारस इंटरनेशनल जैसे कई अवार्ड जीत चुकी हैं और कई नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी हैं। तो चलिए सुनते हैं इन्हें। नमस्कार, मैं स्वाति तिवारी छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं लास्ट 8 ईयर्स से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग बनारस में पंडित रामशंकर गुरु जी से लगभग 5 सालों तक सीखी, और अभी मैं ग्वालियर घराने की विदुषी शाश्वती मंडल जी से संगीत की शिक्षा ले रही हूँ। वैसे तो मैं एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो संगीत सीखने, सुनने, देखने को बचपन से ही मिला है। एज ए वोकलिस्ट मुझे किससे प्रेरणा मिलती है या मेरा आइडल कौन है, तो वो किशोरिया मोनकर जी हैं। नई उड़ान से जुड़ने के बाद मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ रेस्पेक्टेड कैलाश सर का, उनकी टीम का, कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इसमें गाने का अवसर प्रदान किया, और उम्मीद है उनको उन सबको मेरी गायकी पसंद आएगी। कैलाश सर का बर्थडे आ रहा है, तो मैं उनके जन्मदिवस पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सो आज मैं राग यमन प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ, और मेरे साथ दो बहुत उम्दा आर्टिस्ट भी मेरे साथ संगत करने वाले हैं। उम्मीद है आप सबको हमारे द्वारा किया गया ये प्रस्तुतिकरण पसंद आएगा। Man.
क्या शुरुआत हुई है सुरों से सजी शाम की। कैलाश जी, अक्सर ऐसा होता है कि लोग छोटे कस्बों, गांव और शहरों से मुंबई आते हैं। यहाँ का प्रेशर और संघर्ष उनके इरादों को ना टेस्ट करता है। जी, टेस्ट जहाँ ना करे कोई तो समझिए आपकी जिंदगी परिपक्व नहीं होगी। हाँ, पर उस टेस्ट से टूटते वो हैं जिनके इरादों में दम नहीं होता।